अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मोहम्मद शामिल हक एक बार फिर अभी सेटल में हाजिर हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, गाड़ी की सर्विस करवानी है मैंने, और गाड़ी की हालत तो आपको पता ही है, बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। यहाँ पर गाड़ी बहुत गंदी हुई हुई है, अंदर से भी बाहर से भी। तो गाड़ी की टोटल सर्विस करवाने जा रहा हूँ मैं, और इस वीडियो में मैं वो क्रोम सनवाइजर्स मैंने ऑर्डर करवाए हैं, सनवाइजर्स कह रहा हूँ, क्रोम वेदर स्ट्रिप्स मंगवाएंगे, वो भी इंस्टॉल करेंगे गाड़ी में। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ, वहीं पर ही सर्विस स्टेशन होते हैं, तो वहीं पर ही हम गाड़ी की सर्विस करवा लेंगे। तो अभी गाड़ी का स्टार्ट हो गया प्रोसीजर, अभी गाड़ी की क्या कहते हैं सर्विस स्टार्ट हो गई है। अभी उसके अंदर से उन्होंने हवा मारी है, तो अब वो मूव कर रहे हैं मैट को साफ करने के लिए। गाड़ी के आप दिखा देता हूँ सारा कुछ अंदर से रिमूव, ये लेकिन सारा कुछ रिमूव कर दिया, अब वो सर्विस की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब गाड़ी की थ्रॉटल क्लीनिंग करेंगे थ्रू आउट। अभी जी ये कैरी डब्बा धुल रहा है, ये धुल जाए एक दफ़ा, तो मेरी बारी है। अभी मेरी गाड़ी की देखें मैट्स निकाल दिए, बहुत ही गंदी हालत में, डिक्की के मैंने दोनों मैट्स निकलवा के साफ करवा रहा हूँ, धुलवा रहा हूँ, बहुत गंदे हुए थे। अभी ये गाड़ी धुल, तो जी गाड़ी का काम हो गया और मैं निकल गया हूँ स्टेशन से। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, पसीना पसीने हो गए हैं, और लग रहा है बारिश ना हो, मुझे थोड़ा सा लग रहा है मौसम बारिश वाला, अल्लाह करे ना ही हो बारिश। और गाड़ी बहुत अच्छी इन्होंने वॉश की है, आपको लोकेशन अगर आप पूछें, वरना कोई मसला नहीं, कहीं से भी आप करवा सकते हैं। वैसे फॉर इंस्टांस अगर आपको लोकेशन चाहिए, तो ये जो डेबू का स्टेशन है बैक साइड वाला, जो ठोकर पे है, उसके बिल्कुल साथ वाला पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप बंद हो चुका है, लेकिन सर्विस स्टेशन और जो हवा भरने वाला है वो खुला हुआ है। तो वहाँ से मैं हर दफ़ा करवाता होता हूँ, बहुत अच्छी करते हैं इनका। वो मैं एक वीडियो बनाना भूल गया, फोमिंग बाथ भी ये पूरी गाड़ी को देते हैं, अब वो सर्फ नहीं लगाते। अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छी गाड़ी साफ़ की है, इंटीरियर भी इन्होंने साफ कर दिया। और अगर कोई प्राइस जाना चाहता है, तो जो नॉर्मल वॉश है वो है कोई मेरा ख्याल है 500 की, और जो सर्विस है वो 600 की है। और मैंने क्या कहते हैं डीजल भी भरवाया है, मतलब नीचे पूरे बॉडी पे, और इंजन पे वो मार सकता था, लेकिन इंजन पे वो मिट्टी जम जाती है, तो वो अच्छा नहीं होता, थोड़ी देर की बात है, वो फिर साफ़ रहेगा, फिर और गंदा हो जाएगा। तो उसका उन्होंने कहा था कि 100 रुपीज़ ऊपर लगेगा, 600 मेरा सर्विस का था, 700 लगेगा। और जो वो है 300 की पॉलिश है गाड़ी की, कॉस्मिक की इन्होंने यूज़ की है, और मैंने इनको ज़रा डिस्काउंट लिया, तो 800 का इन्होंने सब कुछ कर दिया, मुझे पूरी गाड़ी तैयार करके दी है, बहुत टिप टॉप गाड़ी बना दी है। तो अब चलते हैं घर की तरफ, और दिखाता हूँ मैं घर पे जो ऑर्डर मेरा आ चुका हुआ है वो भी इंस्टॉल करते हैं घर जाके।
आपको बताना भूल गया कि इंटीरियर की बात बताना भूल गया आपको। इंटीरियर अगर वो अगर आपने पूरी क्लीन करवाना है, मतलब आपने सीटें भी पूरी खुलवा के साफ करवानी है, आपने उसकी उसके पर सर्फ भी मतलब चौंका होता है सोल्यूशन वो सारा करवाना है, और शाइनर भी अंदर करवाना है, पॉलिश भी पूरी गाड़ी अंदर इंटीरियर जैसे बाहर से धुलती है वैसे इंटीरियर से आपने समय से धुलवा लेनी, गाड़ी टिप टॉप करवा लेनी है। तो उसके चार्जेस हैं 1500 रुपीज़, ठीक है। मैंने पूछा था तो मेरी गाड़ी इंटीरियर से तो इतनी गंदी नहीं है, सीटें थोड़ी सी थी वो मैंने उसको कहा था गीला कपड़ा मार दे तो सही हो गई बिल्कुल, क्योंकि बेज है उस पर इतना पता नहीं लगता। और फिर अगर आपने सिर्फ उसकी शाइनर फिरवाना है जो वो पॉलिश होती है तो वो कह रहा था कि 150 का होगा, डैशबोर्ड साइड गद्दे सारे वो 150 का होगा, पूरी पॉलिश मैं सोच रहा था, लेकिन पॉलिश का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि पॉलिश आपको पता ही है वो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, फजूल सी कोई होगी इन्होंने अपने से बनाई भी होगी, वो इतना अच्छा नहीं था। तो मैंने काफ़ी रहने दें, मैं घर पर टर्टल वैक्सी मेरे पास पड़ी हुई है बेहतरीन 500 रुपये की मैंने ली थी, वो उसका ऑल पर्पज़ क्लीनर तो नहीं है लेकिन आप कह सकते हैं हर जगह आप मार सकते हैं, वो क्या कहते हैं टायर्स के लिए भी वो इस्तेमाल हो सकती है, वो मेरे पास है बेहतरीन, उससे साफ़ हो जाती है। साथ में बस एक और भी पॉलिश पड़ी हुई है वो उसकी है कीवी की, वो भी मैं मार देता हूँ तो बहुत अच्छी गाड़ी की शाइन आती है। तो यही मैंने आपको दाना भूल गया था दाना, तो अब घर ही चलते हैं। घर पहुँच चुका हूँ मैं और ये मेरा पार्सल भी आ चुका है, तो इसको भी अब हम खोलते हैं और गाड़ी पे इंस्टॉल करते हैं। ऐसा जो पार्सल है मैंने आपको बता दूँ कहाँ से मंगवाया, ये मैंने मंगवाया जी पार्क मोटर्स से, स्पॉन्सर नहीं है वीडियो, बस वैसे ही मैंने आपको कहा मैं कोई ऐसा नहीं हूँ, बस दूसरों का भला हो जाए ठीक है। तो पार्क मोटर्स से मंगवाई है, देखते हैं अब उन्होंने कैसा भेजा है, मतलब मेरे मॉडल का है, मुझे तो मेरे मॉडल का ही लग रहा है, सिटी ऊपर लिखा हुआ 9, बस मेरी गाड़ी है ये, फिर 9 मॉडल से स्टार्ट हुआ था मॉडल ना शायद उसी का ही हो। तो अब मैं ये इंस्टॉल करने लगा हूँ, ये फ्रंट का है, डबल टेप्स भी इन्होंने 3MT लगाई हुई हैं और दोनों साइड में लगाई हुई हैं तो काफ़ी अच्छी इंस्टॉलेशन हो जाएगी। तो ये लग गया है और बाकी मैं आपको लगा के फाइनल करते हैं। जैसे गाड़ी को अनरैप नहीं करते जब गाड़ी आती है, अनबॉक्सिंग गाड़ी वाओ, कोई डेंट नहीं है इसमें, बिल्कुल सही, क्योंकि पैकेजिंग में कभी कभार चाइना से इंपोर्ट होते होते डेंट भी आ जाते हैं इनमें, काफ़ी गाड़ियों में देखा भी है कि डेंट्स आए हुए हैं, लेकिन इस पर बिल्कुल न्यू फिनिश है, कोई ख़राबी नहीं है। सर्विस करवाने का बेस्ट आपके पास तरीका है कि आप नहा के कभी ना जाए, बहुत वहाँ पर फिर मसला होगा आपको, गर्मी पसीना दोबारा आके नहाना पड़ेगा आपको, तो फ़ायदा नहीं, अभी कपड़े भी सारे पानी रखता रहता है गंदे होंगे। तो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, साफ सुथरी और इसके क्रोम ट्रिम भी बहुत अच्छी लग रही है। लोग पूछेंगे मतलब आप लोग पूछेंगे कि कहाँ से ऑर्डर कराई है, कि parkmotors.pk से ऑर्डर कराई है मैंने, जो है जोहर टाउन एक साइकिल मोटर्स का तो आपको पता ही होगा, जोहर टाउन में उसकी अपोजिट वाली जो रोड है उसकी सर्विस रोड में आगे जाके आता है ग्रीन कलर का बोर्ड आता है parkmotors.pk, मैंने वहाँ से जो स्पॉइलर है वो ही वहीं से लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का था, वो भी मैंने ये ऑर्डर करवाए हैं फ्रॉम वेदर ट्रिप्स, और मैंने एक और दो महीने भी ऑर्डर करवाई थी, वो थी इसमें कार हैं वो भी मेरी गाड़ी में आप देख रहे हो लगी, अगर आपको थोड़ी नज़र आ रही हो वो भी मैंने अपनी गाड़ी में लगाई थी, और एक और चीज़ भी शायद ली थी क्लॉक ली थी शायद, तो वो भी बहुत अच्छी निकली, सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, मैं रिकमेंड करूँगा।
प्राइसेस इनकी बहुत अच्छी, 1000 rupees की आए हैं, मतलब इनकी जो प्राइस था ओरिजिनल वो 900 थी, 150 इन्होंने वो लिए मेरे से डिलीवरी चार्जेस, क्योंकि फेयर हैं क्योंकि प्राइस पेट्रोल की बहुत कुछ गई है, फटों से जब आने में ठीक है मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। 1050 की आए हैं सेकंड मोटर से, 1000 के मिल रहे थे मुझे विद डिलीवरी चार्जेस, लेकिन मैं वो ऑर्डर कर चुका हुआ था, कोई 3-4 टाइम ऑर्डर कर चुका था, हर दफ़ा ऑर्डर कैंसिल हो जाता था टीम के सॉरी दिस आउट ऑफ स्टॉक, वहाँ जाके मैंने पता किया था, वो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने पहले मोटर स्पोर्ट्स से भी मंगवाए थे मैंने उसको, बिल्कुल सादा उसकी वीडियो नहीं मैंने बनाई थी, मैंने वो लेके घर आया तो वो लगे नहीं मेरी गाड़ी पे, वो मैंने वो वापस करवाया, वो मैंने दिए थे 1700 के, इतने महंगे और वो फिर भी उसकी सही ऐसी क्वालिटी भी नहीं थी, इसलिए पेंट हुए थे एक जगह से, वो मैंने वापस करवाया तो फिर मोटर से पता की क्या पता वहाँ से जमा था तो लेकिन वहाँ से मिलते ही हैं, तो कहते हैं फोटो की भी है, इन्होंने मुझे इनके पास भी नहीं थे लेकिन इन्होंने मुझे मंगवा के विद इन वन डे मंगवा के दिए, कल मैंने इनको ऑर्डर प्लेस किया और इन्होंने कहा था कि आज शाम तक आपसे मिल जाएगा ऑर्डर, कल शाम तक, तो वो मैं कहीं जाना था, मैंने उनको कहा कल डिलीवर कर दिया, कल अभी फर्स्ट टाइम इन्होंने 12 बजे मुझे डिलीवर भी कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप यू लाइक माई वीडियो, Stay tuned, press the bell icon and subscribe to my channel, share with your friends and family and support me. Allah Hafiz guys.